दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है Redmi की तरफ से Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro Plus की गेमिंग रिव्यू पहले कर चुके हैं और आज हम इसका फर्स्ट गेमिंग इंप्रेशन दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं टेकू गेमिंग, मेरा नाम है फरहान। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको केस मिलता है, निकल जा, ब्लैक कलर का केस है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चार्जर देख सकते हो 67 वॉट का है और उसके साथ साथ आपको जो है केबल मिला है टाइप सी है। दोस्तों ये देख सकते हो फोन का डिजाइन और काफी ज्यादा कूल लग रहा है। पिछली बार हमने जो अनबॉक्सिंग की थी वो दूसरा कलर था, इस बार जो है व्हाइट है और ये जो है स्टोन का फिनिश पीछे दिया गया है। बैक में आपको प्लास्टिक और फाइबर का मिक्सचर है। फोन को ऑन करते हैं, 1 2 3। जब तक फोन ऑन हो रहा है थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ HDR 10 प्लस का डिस्प्ले है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस। प्रोसेसर में आपको Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 मिला है, 4 नैनोमीटर के चिपसेट पे बेस्ड है। बैटरी की बात करूं तो 5100 mAh की है और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग। 229 सेकंड्स में ऑन हो गया फोन। बैटरी परसेंटेज देख सकते हो 100 है और अभी जो है हमारा ब्राइटनेस फुल कर देते हैं, कोई भी रिसेंट ऐप नहीं है। 1 2 3, सिर्फ 23 सेकंड में BGMI ऑन हो गया। स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम की सेटिंग्स है और बैलेंस पे भी एक्सट्रीम और अल्ट्रा एचडी की सेटिंग्स पे अल्ट्रा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही चल रहा है, 26 के आसपास है। दोस्तों देख सकते हो कितने बंदे उतरे हैं, मतलब इतने सारे लोग, भाई साहब भयंकर लड़ाई होने वाली है। अरे यार दोस्तों आधे घंटे की गेमिंग कंप्लीट हो गई है। बैटरी और टेम्परेचर जल्दी से देखते हैं। बैटरी देख सकते हो 89% चली गई है, टेम्परेचर 30 के आसपास है। अभी आधे घंटे के हिसाब से 10% बैटरी ड्रॉप होती है बट इसने जो है 11% ड्रॉप कर दिया। और टेम्परेचर की बात करूं तो आपको पता ही दोस्तों दिल्ली में काफी ज्यादा ठंड है तो उस हिसाब से उतनी ज्यादा हीटिंग नहीं की इस फोन ने। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो 60 FPS स्मूथ पे एक्सट्रीम पे आ रहा है, मतलब ज्यादा फाइटिंग हुई तो 40 FPS तक गया, बट 60, 59, 58 FPS आराम से दे रहा था। बिल्ड की बात करूं तो काफी कंफर्टेबल है, आराम से पकड़ पा रहा हूं मैं। साइड की जो एजेस है वो कर्व्ड है तो उसकी वजह से ग्रिप काफी अच्छा मिल रहा है। अरे यार बट हल्का हल्का जो है जिटर देखने को मिल रहा है, उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है वैसे। दोस्तों देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, ये तो है यार अल्ट्रा एचडी की सेटिंग्स पे खेल के ना मजा आता है, जो क्लैरिटी मिलती है ना। और अभी देख सकते हो 79, 78, 75 FPS जा रहा है, वो भी अल्ट्रा एचडी की सेटिंग्स रखी है मैंने यहां 83 तक चला गया दोस्तों मैक्सिमम FPS। अरे 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 भैंस की आंख, अरे अरे भाई आराम से कहाँ चुप के बैठा, निकल बाहर, इधर इधर इसकी भैंस की आंख, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब वहाँ पर है बंदे, घर में एक और है। रुक जा, बंदा था यहाँ पर, फुट से पाया था, मारा है हमारा क्या। अरे बंदा फुट से पा रहा ये रहा। गोली वोली कुछ नहीं, अरे यार दोस्तों अभी कंप्लीट हो चुका है 1 घंटे की गेमिंग और अब जो हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए 20,000 की प्राइसिंग में या नहीं। बैटरी देख सकते हो 76% चली गई है, मैक्सिमम टेम्परेचर गया 32। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो 24% बैटरी ड्रॉप हुआ, थोड़ा ज्यादा ड्रॉप है, 1 घंटे में आराम से 20% ड्रॉप होता है बट इसने जो है 24% ड्रॉप कर दिया। बात करो अगर हीटिंग की तो हीटिंग उतना ज्यादा नहीं किया, नॉर्मल हीटिंग यहाँ पर हो रहा था। सबसे मस्त चीज तो मुझे गेमिंग में लगी, जब मैं स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेल रहा था तो 60 FPS आराम से आ रहा था बट जब मैंने अल्ट्रा HD के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया
दिया। थोड़ा जिटर तो ये कर रहा था बट FPS जो ये शो कर रहा था वो 83 के आसपास था, तो वो चीज मुझे काफी शॉकिंग लगी क्योंकि इसमें जो है 90 FPS का सपोर्ट नहीं है और स्मूथ पे एक्सट्रीम पे 60 आ रहा है बट अल्ट्रा HD में जो है 83 तक चला जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ ना कुछ ग्लिची है इसमें। बाकी बॉडी एंड डिजाइन तो काफी अच्छा इस फोन का, ठीक है आप होल्ड करोगे तो आपको लगेगा प्रीमियम फोन है। प्लास्टिक के जो है ग्लास दे सकते थे वैसे थोड़ा और प्रीमियम फील आता, बट हाँ गेमिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डिस्प्ले की बात करूं दोस्तों तो काफी अच्छा डिस्प्ले है वैसे गेमिंग के लिए, बट एक चीज मैंने नोटिस की जो आपने नथिंग फोन 1 नथिंग फोन 2 में भी नोटिस किया होगा और आईफोन में भी नोटिस किया होगा कि इसके जो बेजल्स है वो काफी सिमेट्रिकल है, तो उसके वजह से ये फोन जो है काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और एक और चीज जो चेरी ऑन द केक है कि इसका जो व्हाइट कलर है उसके वजह से और ज्यादा प्रीमियम लगता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप 20,000 का फोन पकड़े हो। और दोस्तों अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो मेन चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अरे हो गया चाचा, इतना लास्ट तक कोई देखता भी नहीं आउटरो यार, क्या बोलूं मैं।